वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आशीर्वाद। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार दो बहन भाई होते हैं। बहन का ये नियम था कि सबसे पहले सुबह उठते ही वो अपने भाई के मुख को देखती थी। जब तक वो अपने भाई के मुख को न देख लेती तब तक वो कुछ खाती पीती नहीं थी। इस प्रकार समय बीतता गया, बहन का विवाह हो गया। उसी गांव में थोड़ी ही दूरी पर जंगल पार करके उसका विवाह हुआ था। तो वहां से भी ससुराल में वो सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती और फिर अपने मायके पहुंच जाती अपने भाई का चेहरा देखने के लिए। उसके बाद फिर वापस आती थी। फिर जो है उसके दैनिक कार्य प्रारंभ होते थे। वो सुबह सुबह जैसे पानी लाना है, घर आंगन को लीपना है, स्नान करना है, ये कार्य करती थी। जब वो घर के कार्य करके भाई के घर जाने के लिए तैयार होती थी तो रास्ते में वहां एक पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी। वो रोज चलती वहां गणेश जी के आगे हाथ जोड़ती और कहती कि हे प्रभु, आप मेरे ससुराल और मायके को सुरक्षित रखना। दोनों ही परिवारों की सुख शांति मांगती थी, मंगल मांगती थी, कल्याण मांगती थी गणेश जी से। और दोनों तरफ संपन्नता थी। मायके में भाई का विवाह हो गया था, भाभी आ गई थी, ससुराल में भी सब आनंद से रहती थी। प्रार्थना करती, फिर जाती भाई का चेहरा देखती और फिर वापस आ जाती थी। एक दिन जब वो भाई को देखने के लिए गई तो भाभी ने रोक लिया कि बहन जी आप बैठ जाइए, मैंने जो है नाश्ता बना रखा है, आप नाश्ता करके जाएं। बैठ गई वो। कुछ देर तक भाभी ने नाश्ता कराया। जब नाश्ता कराने लगी तो भाभी का ध्यान जो है ननद के पैरों पर पड़ा। पैरों में कांटे चुभे हुए थे। उन्होंने पूछा कि बहन जी ये कांटे कैसे चुभ गए। तब उसने कहा कि भाभी, जब मैं अपने ससुराल से आती हूँ रास्ते में जंगल पड़ता है, मार्ग में बहुत सारे कांटे हैं, वो मेरे पैरों में चुभ जाते हैं। इतनी बात कहकर वो तो चली गई। अब भाभी को दया आ गई। उसने अपने पति से कहा कि देखो, आपकी बहन रोज आती है, उसके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, आप ऐसे करो, जितने रास्ते से वो आती है वहां के कांटे साफ कर दो। जब स्वच्छ मार्ग होगा, कांटे नहीं होंगे, तो आपकी बहन को कोई कष्ट नहीं होगा। जब भाई ने अपनी पत्नी की ये बात सुनी तो वो तुरंत जो है कुल्हाड़ी लेकर चला। आसपास की जितनी झाड़ियां थी सब काट दी उसने। रास्ता जो जितना भी था सब साफ कर दिया। जब रास्ता साफ कर दिया उसने आसपास के छोटे छोटे पेड़ भी काट दिए। जिस पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी वो पेड़ भी काट दिया और वो मूर्ति लुढ़क गई, उल्टी हो गई, जिससे गणेश जी नाराज हो गए। जैसे ही गणेश जी नाराज हुए तो तुरंत वो भाई जब घर पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गणेश जी का उसने अपराध किया था। गणेश जी ने रुष्ट होकर उसके प्राणों को हर लिया। अब उसकी पत्नी रो रही है, विलाप कर रही है, लोग इकट्ठे हो गए, उसका दाह क्रिया कर्म करने के लिए तैयार हो गए। तो भाभी ने कहा कि जो है अभी तुम लोग जो है इनका संस्कार नहीं कर सकते,
क्योंकि इनकी बहन इनका चेहरा देखे बिना कुछ खाती नहीं है, वो आने ही वाली है। तो उन्होंने कहा कि आज तो तुम्हारी ननद इसका चेहरा देख लेगी, कल किसका चेहरा देखेगी। उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, जब तक मेरी ननद नहीं आएगी तुम मेरे पति का क्रिया कर्म नहीं करोगे। अर्थी सजा दी गई है, उसके पति को लेटा दिया गया है। उधर बहन का नियम था, वो सुबह उठी, घर का कार्य किया और चल दी अपने भाई के दर्शन करने के लिए। जब रास्ते में आती है तो देखती है कि आज तो रास्ता बड़ा साफ है, कहीं कोई कांटा नहीं है, लेकिन उस पेड़ पर भी उसकी निगाह जाती है जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति थी। आज तो वो पेड़ कटा हुआ मिला उसे और गणेश जी की मूर्ति उल्टी पड़ी थी। उसने सोचा, पता नहीं किसने पेड़ काट दिया और ये गणेश जी भी जो है उल्टे पड़े हुए हैं। उसने वो जगह साफ की, कुछ पत्ते इकट्ठे किए, पत्तों की एक चौकी बनाई और गणेश जी की मूर्ति उस पर रख दी, चरणों का स्पर्श किया और कहा कि हे प्रभु, जिसने भी ये गलती की हो उसे क्षमा कर देना और मेरे मायके और ससुराल को सुरक्षित रखना, दोनों की दुआएं मांग रही है। ऐसा कहकर वो आगे चल देती है। जैसे ही आगे चलती है तो गणेश जी सोचते हैं कि ये तो रोज मेरी प्रार्थना करती है, मुझसे आशीर्वाद मांगती है, अगर मैंने इसकी इच्छा पूरी नहीं की तो संसार में मेरी कोई पूजा ही नहीं करेगा। उन्होंने आवाज लगाई, हे पुत्री वापस आओ। अब वो देखती है कि मुझे कौन बुला रहा है, इधर उधर देखा कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि फिर आकाशवाणी हुई, यानी कि गणेश जी बोल रहे हैं कि पुत्री 7 पत्ते ये बढ़ के ले जाओ और दूध में भिगोकर अपने भाई पर छींटे मार देना, तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा। अब वो सोचती है कि क्या मेरा भाई मर चुका है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। आसपास देखा कोई नहीं था, फिर उसने सोचा शायद सच ही हो, तो उसने बढ़ के 7 पत्ते जो है वो तोड़ लिए। तोड़कर जो है वो आगे चलती है, आगे जाकर देखा तो भाई तो मृत्युशैया पर लेटा हुआ है, अर्थी पर, सब रो रहे हैं। वो चुपचाप जाती है, रसोई में गई और उसने जो है एक पात्र में दूध डाला और जो पत्ते लेकर गई थी वो उसमें भिगोए दूध में और अपने भाई पर छींटे मार दी। तुरंत उसका भाई खड़ा हो गया। अब जो है सब देखकर हैरान है कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तब लड़की ने बताया कि मैं गणेश जी की रोज जो है पूजा करती हूँ, आते समय बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरे मायके और ससुराल को हमेशा सुरक्षित रखना, उनका कल्याण करना। आज पता नहीं किसने गणेश जी की मूर्ति उल्टी कर दी थी, वहाँ का पेड़ काट दिया था, लेकिन जब मैंने उनसे ये आशीर्वाद मांगा तो मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि ये 7 पत्ते लेकर जाना, दूध में भिगोकर डालना, कहीं भाई ने तो ये गलती नहीं कर दी थी। तब उसके भाई ने कहा कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी भाभी के कहने पर रास्ता साफ किया था और वो पेड़ कट गया, मैंने गणेश जी की मूर्ति पर ध्यान नहीं दिया, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे प्रभु, जैसे आप मेरी बहन पर कृपा करते हैं, बहन पर कृपा करके उसके भाई को जीवित किया, ऐसे सब पर कृपा करना। इस कथा को जो सुनेगा उसके भाई को जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। तो हे गणेश जी महाराज, अपना आशीर्वाद ऐसे ही सब पर बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।